अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सलमान अदीब और आप देख रहे हैं अदीब टेक्नोलॉजी लैब यूट्यूब चैनल। तो आज फिर मैं आपको अपने चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल का टॉपिक है कि हाउ टू फ्री अप स्पेस ऑन माय फ़ोन विदाउट डिलीटिंग माय डाटा। यानी आपके फ़ोन में इस तरह के कुछ एरर आ रहे होते हैं जब आपकी जो है, सबसे पहले तो ये सबके पास एरर लाजमी आता है, लो ऑन स्पेस, तो इस तरह का आइकॉन भी किसी किसी के बना होता है। तो इनसे आप कैसे बच सकते हैं, यानी कि आपको थोड़ी स्पेस चाहिए तो आप कैसे बना सकते हैं, जैसा कि मैं अभी आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आप बहुत सारी स्पेस भी बना सकते हैं अगर आपने आपका फ़ोन बहुत पुराना है तो। तो इसमें आपको इस तरह के एरर आते हैं, यहाँ पे मैं एक दिखा देता हूँ थोड़े थोड़े। यहाँ पे एक ये आता है मेमोरी फुल का, एक यहाँ पे कैनोट टेक फ़ोटो, यानी आप तस्वीरें नहीं खींच सकते। और ज़्यादातर के पास ये भी आता है कि आपका जो है यहाँ पे ऐप्स डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो वो आपको कहता है कि पहले पुराने ऐप जो है आप अनइंस्टॉल करें। तो उसके अलावा यहाँ पे इस तरह के आपको जो है एरर कोई भी आए उससे आपने कैसे बचना है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा, बिल्कुल रियल बताऊँगा और बहुत ही आसान है। आप बहुत सारी स्पेस बना सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें उसमें दोबारा कर सकते हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊँगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो उससे पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब लोग मेरा ये YouTube चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ आप इस बेल आइकन को भी क्लिक कर लें अगर आप मेरी वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं जो भी मैं आगे आने वाली वीडियो अपलोड करूंगा आने वाले टाइम में। तो अब शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ कि मेरे पास स्पेस कितनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 GB अवेलेबल है, ये बिल्कुल फुल हो चुकी थी, ऊपर वो एरर भी आया था, सारा कुछ वो एरर मेरे पास भी एक दो आया था और जगह बिल्कुल फुल थी। तो ये वीडियो रिकॉर्ड करने की वजह से मैंने 5 GB खाली की है, 5 GB, और अभी मैं आपको और भी इससे ज़्यादा करके दिखाऊंगा। अभी आप देख सकते हैं कि 5 GB मैंने बगैर डाटा लॉस किए यहाँ पर खाली की है। उसके अलावा मैं इस फाइल एक्सप्लोरर से दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको सही समझ आ जाएगी। यहाँ पे ये देखें 90% यहाँ पे जगह खाली है बस, यानी कि 10% खाली है, 90% यूज़ हो चुकी है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल जो है, यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है जो टोटल है हमारे पास जो है 45 GB है। और यहाँ पे सॉरी ये कुछ हो रही है, इसकी मुझे कुछ समझ नहीं है, लगता है 50 में से 45 GB जो है हमने यूज़ कर लिया है। उसे छोड़ें, आप यहाँ पे देखें 90% खाली है। और अगर आपने देखना है कि कितनी जगह पड़ी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो है 5 GB अवेलेबल है, यानी कि 5 GB सिर्फ अवेलेबल है, बाकी सारी जो है भरी हुई है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने करना क्या है। तो आपने करना क्या है कि ये फाइल एक्सप्लोरर जो है आपने डाउनलोड करना है, ये आपका इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके अलावा आप जो है इसे प्ले स्टोर से जाके बहुत आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं करता हूँ इसको ओपन, और यहाँ पर हम ओपन करने के साथ यहाँ पर जो लोग पहले से ये यूज़ कर रहे हैं तो वो जो उन्हें चाहिए कि यहाँ पर ये जो नीचे तीर का निशान दिख रहा है आप यहाँ पे क्लिक करें, और यहाँ पे आपके पास एक रिसाइकल बीन होगी। यहाँ पे ये इसकी अपनी रिसाइकल बीन है, जो ज़्यादा लोग ये यूज़ करते हैं तो वो पहले सबसे इसको खाली करें, क्योंकि मैं भी ये यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप देखें, ये मैंने यहाँ पे फालतू में तस्वीरें पड़ी हुई हैं, ये मैंने डिलीट कर दी हुई हैं, इसको अब मैं डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें 2 GB तो सिर्फ इसने ली हुई थी, यहाँ पर मैं डिलीट करता हूँ, और वहाँ पे हमारे पास 50 GB थी, अब देखते हैं, सॉरी 5 GB अवेलेबल थी, अभी भी 5 है, लेकिन वहाँ पे 2 GB लिखा हुआ था शायद। तो उसके अलावा मैं एक और दिखाता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो ये करें, उसके अलावा आपके पास होगा, मेरे पास जैसे ये फ़ोटो वाला है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे फ़ोटो में जाने के बाद यहाँ एल्बम में जाना है, एल्बम में जाने के बाद इसका भी अपना रिसाइकल बीन है, यहाँ पर रिसाइकल बीन है, इसको आप ओपन करें और इसको भी आप सारे को खाली कर दें। कुछ लोग जो हैं रिसाइकल बिन खाली नहीं करते हैं ये, क्योंकि पहले ये फंक्शन नहीं था, ये जो न्यू मोबाइल आ रहे हैं इनमें है कि आप डिलीट की हुई चीज़ वापस हासिल कर सकते हैं। तो वो अपने फ़ोन में या मेमोरी कार्ड से तो डिलीट कर देते हैं, लेकिन वो वहाँ से डिलीट नहीं करते।
तो वहाँ से डिलीट करने में भी आपका जो जो स्पेस यूज़ हो रही होती है वो पीछे वाली जो आपके फ़ोन की है वो यूज़ होती है जब तक आप रिसाइकल बिन से ख़त्म नहीं करते। उसके बाद अब हम फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हैं। यहाँ पे देखें पहले 90% थी, सिर्फ ये दो रिसाइकल बिन ख़त्म करने की वजह से यहाँ पे 89 हो गई। उसके बाद यहाँ पे ये देखें पहले 45 GB थी, अब यहाँ पे 44 GB हमें अवेलेबल है। और इसको मैं ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे जितने भी, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आपने जो है हिडन फाइल को यहाँ पे शो कर लेना है। ये हिडन फाइल का एक ऑप्शन है, इसमें इसको शो करें। शो करने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन की जितनी भी हिडन फाइल्स हैं सारी शो हो जाएंगी, और आप इन सब को सिलेक्ट कर दें। आप ये सोच रहे होंगे कि इनको हमने अभी डिलीट करना है, तो ये डिलीट करने से आपका कोई भी डाटा नहीं उड़ेगा, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। आपने सिर्फ हिडन फाइल डिलीट करनी है। यहाँ पे मैं हिडन फाइल सिलेक्ट करता हूँ, और जो नीचे थोड़ी सी होती हैं ये भी डिलीट करनी है। यहाँ पे ये सवालिया निशान बने हुए हैं, ये यानी आपके पास पूरी तरह से डाउनलोड नहीं हो पाई चीज़ें, तो इसको मैं डिलीट करता हूँ आपके सामने। और यहाँ पे मेरी एक भी फाइल नहीं मिस होगी, यानी नहीं कोई उड़ेगी। तो यहाँ पे एक मैं बारी बारी सारे फोल्डर चेक कर रहा हूँ। ये देखें इसके अंदर ये पड़ा हुआ है सवाल निशान वाले, इसको आपने जो है फोल्डर में, यहाँ पे मेरे पास कुछ नहीं था इस फोल्डर में, इसको ये देखें 710 KB तो इसने ली हुई थी। इस तरह से आप जो है, यहाँ पे मैं और देख लेता हूँ, यहाँ पे मैं सारे फालतू फोल्डर जो है जिसमें मेरा डाटा नहीं पड़ा वो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। ये देखें, और ये एंड्राइड, ख़ास तौर पर एंड्राइड को एक बार ज़रूर डिलीट किया करें, ताकि आपने जितने भी पीछे ऐप्स इंस्टॉल किए थे और वो अब अनइंस्टॉल कर दिए हैं, उसकी कैशेज मेमोरी इसके अंदर पड़ी रहती हैं, तो वो भी आप इसको डिलीट करेंगे तो आपका जो है काफ़ी सारा जो है डाटा जो है, यानी बहुत सारी स्पेस बन सकती है। तो यहाँ पे मैं और देख लेता हूँ, ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ ये फालतू फोल्डर हैं, ये खुद ब खुद बन जाते हैं, इनका कोई काम नहीं होता। ये जो डॉट डॉट वाले हैं या डॉट फेसबुक, इस तरह से ये मैं सारे सेलेक्ट कर रहा हूँ। और जो अजीब से नाम है जो पहले मैंने ना यूज़ किए हैं, ईमोन भी नहीं, ये सारे जो है आप जो है देखें, मैं यहाँ पे कितने सारे फोल्डर को डिलीट करने वाला हूँ, और इनमें मेरा डाटा बिल्कुल भी नहीं पड़ा हुआ। और यहाँ पे देख पिक्चर, और ये रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, रिंग टून नहीं है। और यहाँ पर ये देखें ये वाली जो है, आप ये पता नहीं क्या नाम रखे हैं, लेकिन ये आपने कोई ना कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था जिस वजह से ये बन गए हैं, तो ये विडमिट में हम चीज़ें पड़ी होती हैं। और ये भी मैंने वैसे ही फालतू में किया था, और ये भी। अब देखें मैं 48 फोल्डर डिलीट कर रहा हूँ और मेरा डाटा भी नहीं उड़ेगा। ये देखें इस 48 फोल्डर की जो है स्पेस है यहाँ पर 2 GB है। यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ और ये देखें 2 GB ख़त्म हो गई। और अब मैं यहाँ पे पीछे जाकर रिसाइकल बिन खाली करने वाला हूँ, तो उससे पहले मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पे हमारे पास 89 है ना, अभी मैं इसको डिलीट करूँगा, तो अभी आप चेक करना, सिलेक्ट आल डिलीट, और यहाँ पे 2 GB और खाली, और ये खाली होगी। अब 86 होगी, यहाँ पे अब 43 होगी, 45 GB हमारे पास थी, अब 43 होगी। अभी और भी मैं आपको चेक करवाता हूँ, इससे और भी आप कम कर सकते हैं। इसको मैं जाता हूँ पहले ब्लूटूथ में, यहाँ पे दो चार चीज़ें पड़ी हैं, और यहाँ पे भी पड़ी हैं, डॉक्यूमेंट में ये पड़ा हुआ है, और ये फालतू है। ऐप जो है डाउनलोड हो जाते हैं, इंस्टॉल भी हो जाते हैं, लेकिन ये फिर भी पड़े रहते हैं जो हम डाउनलोड कर लेते हैं, तो इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके अलावा तस्वीरों में यहाँ पे मैं देख लेता हूँ, फेसबुक की नहीं, इंस्टाग्राम की चाहिए मुझे। उसके बाद यहाँ पे मैसेंजर में कोई तस्वीर नहीं, और फोटो लैब में है एक, ये और ये मैं डिलीट कर रहा हूँ, 58 KB ये गई। उसके बाद ये भी खाली है, इसको भी मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद विडमिट को ज़रूर ओपन करना है। विडमिट के अंदर सिर्फ आप डाउनलोड का छोड़ के बाकी ये सवाल निशान और ये फालतू चीज़ें सारी, इनको ज़रूर डिलीट करें। ये देखें 25 MB तो इनमें से बन गई। और उसके अलावा यहाँ पे आप डाउनलोड को छोड़ के बाकी सारा डाटा क्लियर कर दें इसका, विडमिट का, तो यहाँ पर 92 KB चलो कुछ तो बनी। उसके अलावा यहाँ पे हम इसमें देख लेते हैं, वॉलपेपर पड़े हैं, और यहाँ पे सारा हो गया रिकॉर्डिंग,
ये कैमरे में एक पड़ा हुआ है, यहाँ पे ये हर किसी के मोबाइल में होता है तकरीबन। ये देखे पत्नी को इतनी सारी तस्वीरें, इतनी सारी तस्वीरें, वो फोटो वीडियो हो कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ की छोटी छोटी तस्वीर बना लेता है जो आपकी गैलरी में शो होती है। जो यानी कि मैं यहाँ पे दिखा दूँ, यहाँ पे आपकी गैलरी है, ये रिसाइकल बिन था यहाँ पे, ये आपकी गैलरी में, ये जो अभी सामने डेस्कटॉप पे यानी ये तस्वीरें शो हो रही हैं, ये इनको जो है यहाँ पे रख देता है। ये देखें इसका अलहदा से फोल्डर बना देता है डॉट थंबनेल के नाम से। ये आपका वो डिस्प्ले दिखाता होता है कि आपकी ये चीज़ है, आप जब इसे ओपन करते हो तो वो सेम टू सेम वही चीज़ ओपन होती है। तो इसको भी आप डिलीट कर दें, यहाँ पे आप इसे चेक करते हैं, ये सारी की सारी अंदर हैं मेरे पास, इसके अंदर कैमरे के अंदर पड़ी हैं, बाकी सारी पड़ी हैं, लेकिन ये उसने सब में से एक एक उठा के इसका थंबनेल बनाया हुआ है, यानी आपको डिस्प्ले पे शो करवाने के लिए ये जल्दी से आपको शो करवा देता है कि कुछ के पास देर से होती है। अब मैं डिलीट करूँगा तो ये देखना, यहाँ पे 3 GB की ये डिस्प्ले यानी थंबनेल पड़े हुए हैं इसके शो करवाने के। अगर मैं इसे डिलीट करूँगा तो ये जब मैं दोबारा ओपन करूँगा ये फिर बन जाएंगी, लेकिन कम बनेंगी। ये मेरे पास बहुत पुरानी चीज़ें भी हैं जिसकी वजह से जो है था कि पुरानी चीज़ें डिलीट भी कर दी फिर भी वो यहाँ पे पड़ी रहती हैं। तो यहाँ पे मैं ये देखें ये डिलीट कर रहा हूँ ये, और कैमरा, और मैं देख लेता हूँ क्या क्या हमें नहीं चाहिए। ये स्क्रीनशॉट में ये देखें, ये इस तरह के जो फोल्डर होते हैं सवाली निशान वाले और डॉट वाले, वो सारे आप डिलीट कर दिया करें, ये बिल्कुल फालतू होते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको फिर दिखा दूँ, ये देखें ये फिर दो बन गए। एक बार आप डिलीट कर दिया करें तकरीबन महीने में 2 महीने में, या जब आपको ज़रूरत पड़े भी, मेरे पास जगह कम है तब। तो यहाँ पे आप देखें 42 GB फ्री पड़ी है। अब मैं करने वाला हूँ रिसाइकल बिन, तो पहले से खाली है। तो यहाँ पे जो है हमारी चीज़ें परमानेंटली डिलीट होगी वहीं से ही। तो हमारे पास 42 GB बन, 42 खाली होगी। उसके अलावा अब मैं आपको दिखा दूँ, दोबारा से हम इसमें जाएंगे और दोबारा सिर्फ लास्ट काम आपने क्या करना है, व्हाट्सएप का फोल्डर ज़रूर ओपन करना है। व्हाट्सएप के फोल्डर आप देखें, यहाँ पे मैं डिलीट कर रहा हूँ, और मुझे ये डेटाबेस और ये नहीं चाहिए, इसका बैकअप वगैरह ये भी मैं डिलीट कर रहा हूँ, मीडिया डिलीट कर रहा हूँ, मीडिया सॉरी सारा नहीं डिलीट करूँगा क्योंकि मैंने थंबनेल पे लिखा हुआ था विदाउट लॉस एनी डाटा। तो आप डाटा भी डिलीट नहीं करेंगे अपना, और चीज़ें भी आपकी जो है जगह भी अच्छी खासी खाली हो जाएगी। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे मैं स्टेटस वाला ये डॉट वाले जो फोल्डर हैं सारे ख़त्म करूँगा। ये देखें 194 MB ये गया, वॉलपेपर चेक किया कुछ नहीं, एनिमेशन में जो मुझे कुछ नहीं चाहिए, और यहाँ पे मेरे पास ऑडियो है। ऑडियो सबसे पहले तो आपने ये दो फोल्डर हर फोल्डर में डिलीट करने हैं, ये सेंड वाला, सेंड वाला, और यहाँ पे ये सवालिया निशान बने हुए हैं, ये जो हैं आपके वो चीज़ें हैं जो हाफ डाउनलोड हुई हैं लेकिन वो किसी वजह से नहीं डाउनलोड हो पाई या एरर आ गया, ये आपके पास फालतू में होती हैं, ये चलती भी नहीं है। आपने इस तरह से जो है सवाली निशान वाली और ये डिलीट करनी है। ये सेंड वाली तो लाजमी सब में से डिलीट करें, मैं आपको फिर दिखाता हूँ कि आपके पास जगह कितनी ज़्यादा बनती है। 1 GB। उसके बाद इमेज में आ जाएं, ये सेंड वाली और प्राइवेट, ये लाजमी सेंड आपने डिलीट करनी है। स्टिकर, स्टिकर मुझे नहीं चाहिए, यहाँ मैं सिलेक्ट ऑल करता हूँ और डिलीट। उसके बाद वीडियो, वीडियो यहाँ पे मैं ये दो लाजमी करूँगा क्योंकि ये देखें जो सेंड की हुई हैं आज तक इतनी सारी वीडियो यहाँ पे, ये देखें बहुत सारी हैं, मैं आपको चेक करवाऊँ यहाँ पे, देखें 208 वीडियोस, और जो मैंने डिलीट भी कर दिया अपने फ़ोन में, लेकिन फिर भी यहाँ पे किसी ना किसी को जब सेंड करते हैं तो वो यहाँ पे आ जाती है। देखिए 1 GB की यहाँ पे पड़ी हुई हैं, ये भी गई। वीडियो होगी, वॉइस, वॉइस मैंने एक बार सुन लिया, मुझे नहीं ज़रूरत इनकी, आप चाहें तो ना करें लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अब हम चेक करते हैं वापस जाके, यहाँ पे अब सिलेक्ट करते हैं सिलेक्ट डाल, और यहाँ पे पहले मैं आपको दिखा दूँ डाटा कितना है। यहाँ पे हमारे पास 86% और 43 GB पड़ा हुआ है, 43 GB स्पेस पड़ी है।
और हम इसको ओपन करते हैं और यहाँ पे सेलेक्ट ऑल और यहाँ पे डिलीट, 3 GB ये आ गया। 2 GB पहले मिला, 2 फिर मिला, उसके बाद 3। अब ये देखे 78% खाली होगी, कहाँ पे 90% थी और वो रेड हुआ खड़ा था। अब हम देखते हैं पहले यहाँ पे जाके, यहाँ पे देखे पहले 50 थी, अब 11 GB बन गई हमारे पास, सॉरी पहले 5 GB अवेलेबल थी 5 की जगह पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे देखें अब 11 GB बन गई, कहाँ 5 GB थी सिर्फ हमारे पास, कहाँ 11 GB। तो इस तरह से आप ये बिल्कुल भी, मेरा डाटा कोई भी ज़ाया नहीं हुआ, मेरा सारा का सारा डाटा पड़ा हुआ है जो मुझे चाहिए था, बस जो फालतू चीज़ें थी वो मैंने यहाँ से डिलीट की हैं। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे पड़ी हुई हैं मेरी चीज़ें, और ये सारा कुछ मेरा डाटा अब सारा पड़ा हुआ है। तो आप इस तरह से, आप जैसे कि मैंने अभी 5 से 11 GB तक यानी कि कितनी सारी जगह खाली कर ली, इस तरह से आपने भी अगर बहुत सालों से इसकी सफाई नहीं की अपने फ़ोन की, तो इस तरह से आप जो है फालतू फोल्डर, हिडन फोल्डर शो करके लाजमी डिलीट करें, तो आपके पास बहुत सारी जगह बन सकती है। तो यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।